नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में बुजुर्ग दिवस पर किदवई नगर के साकेत नगर इलाके में एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा सैकड़ों बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद वाजपेयी ने कहा है कि बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर हैं, उनका स्वास्थ्य रहना हमारे समाज की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने समाज के युवाओं को एक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि युवाओं को बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लेना चाहिए, जिसमें एक स्वस्थ समाज की रचना हो सके। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है और आज हमारे बुजुर्ग लोगों के सम्मान में यह दिवस रखा जाता है और इस दिवस पर विशेष रूप से बुज़ुर्गों के लिए जो सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि समाज में बुज़ुर्गों की अपनी एक महत्ता है, वैल्यू है और हर व्यक्ति को उस अवस्था से गुजरना पड़ता है और हमारे बुज़ुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके अनुभव होते हैं, उनके सुझाव होते हैं, उसके एक सम्मान में इस कैंप का आयोजन किया गया। कई बार हमारे बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं, चाहे वो आर्थिक साधन हो, चाहे वो फिजिकल उनके साधन हो, जो कि उनसे वो साधन छूट जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो ऐसे समय पर आवश्यकता होती है ऐसे बुज़ुर्गों का सम्मान की, उनको हेल्प करने की, उनको मदद देने की और उनको सुविधाएँ प्रदान करने की। तो इस क्षेत्र द्वारा विकास दुबे जी के सौजन्य से और क्षेत्रीय सभासद पार्षदों और क्षेत्रीय जनता के सहयोग से एक विशाल वृद्ध नेत्र स्वास्थ्य शिविर और विभिन्न स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। और इस शिविर में डॉक्टर आरती लाल चंदानी, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, पूर्व प्राचार्य हैं GSU मेडिकल कॉलेज के, वो उपस्थित हैं, जो कि विभिन्न बीमारियों के बारे में पेशेंट्स को डील करेंगी। डॉक्टर हिमांशु हैं और अन्य हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वो अपनी सुविधाएं देंगे। ENT के डॉक्टर देवर्थ हैं, डॉक्टर देवेंद्र लाल चंदानी जी हैं। इस तरह से विभिन्न विधाओं में बुज़ुर्गों को जो जो आवश्यकताएं होती हैं, और मैं स्वयं डॉक्टर शरद वाजपेयी नेत्र सर्जन हूँ, नेत्र संबंधी जो उनके विकार होंगे उनको दूर करने में उनको सलाह दूंगा, उनकी समस्याओं का निदान करूंगा। और जो भी बुज़ुर्ग ऐसे व्यक्ति निकलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मोतियाबिंद की एक बीमारी होती है जो कि बुज़ुर्गों में होती है, सबलबाई की बीमारी बुज़ुर्गों में होती है, तो इस तरह की बीमारी से उनको निदान देने के लिए, उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम के तत्वावधान में इस कैंप का आयोजन किया है। सक्षम एक संस्था है जो कि दिव्यांगों के हितार्थ कार्य करती है और उसी के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है क्षेत्रीय संस्था को, पंडित विकास दुबे जी को, जिनके सौजन्य से और उनके क्षेत्रीय सभासद पार्षदों सबके सौजन्य से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस कैंप के लिए लोगों को। और हम तो डॉक्टर्स हैं, हम लोग इस कार्य को निरंतर करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब ऐसे समाजसेवी व्यक्ति इस कार्य में हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कार्य को गति मिल जाती है और ऐसे समाज के उन लोगों को जो कि जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते, उनको हमारे तक लाने के लिए क्षेत्रीय लोगों का सहयोग है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि युवा ही हमारा देश का आगे भविष्य है, उसी तरह से बुजुर्ग भी हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और उसको ऊंचाई पर ले जाने के लिए उनके अनुभवों का जो प्रयोग हम करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो सुझाव हैं, वो हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित होते हैं। जिस तरीके से हम युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, उनको आगे सक्षम करने के लिए प्रयास करते हैं, उसी तरीके से हमारा समाज के लिए संदेश है कि बुज़ुर्ग हमारे लिए ईश्वर तुल्य हैं, माता पिता हमारे ईश्वर तुल्य हैं। समाज में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, उनका सम्मान, उनको हर तरह के सुझाव, उनके मानना, उनको उनका सेवा करना, यही सभी मानव समाज का कर्तव्य है और इसी तरह से मानव समाज का कल्याण होता है। और हमारे देश की ये परंपरा है, हम बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं पाश्चात्य सभ्यता की तरह नहीं, हम उनका परित्याग नहीं करते, हम उनको लोग अपने ईश्वर के तुल्य मानते हैं और यही हमारा संदेश है समाज के लिए।
समझें कि उनको जब तक उनका जीवन है उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद का प्राप्त करें। आज किस चीज को लेकर क्या कार्यक्रम? आज वृद्ध दिवस पर हमारे जो परिवार की तरह हैं आशुतोष वाजपेयी जी सक्षम ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं उनके बैनर तले हम लोगों ने आई कैम्प और हृदय रोग विशेषज्ञ और नाक कान गले के न्यूरो के और डेंटल के हृदय रोग विशेषज्ञ और कानपुर के जो एक अपने आप में प्रतिष्ठित डॉक्टरों की टीम किस तरह से आज के दिन को संदेश के रूप में वृद्ध दिवस में और इसी तरह जो समाज के ऐसे लोग हैं जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन है और कई प्रकार की दिक्कतों का सामना जो सक्षम नहीं है इलाज कराने में हम लोगों ने संकल्प लिया है हर महीने ये कैंप अलग अलग स्थानों पर लगेगा और इसमें हमारे साथ आशुतोष वाजपेयी जी हैं सक्षम ग्रुप के सब पूरा हमारे साथ सहयोग और जो हम लोगों से सहयोग हो सकेगा वो भी और हर महीने ये कैंप लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं दूर करें ऐसा इस वृद्ध दिवस पर हम संकल्प लेते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप सबका आशीर्वाद के आकांक्षी रहेंगे। धन्यवाद।